हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ए ट्रिक फॉर यू। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धनी का वन फ्रीडम कार्ड आता है जो, उसे कैंसिल कैसे कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, आप वीडियो में बने रहिए। तो ये मैं वन फ्रीडम क्रेडिट का जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई रहा है उस पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे देखिए मतलब मेरा पेंडिंग पेमेंट दिखा रहा है। 150 रुपीज़ का पेंडिंग पेमेंट है, जो कि आज का मेरा पेंडिंग पेमेंट है। और नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैंसिल प्लान का ऑप्शन, पर मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मतलब कैंसिल नहीं होगा, कुछ मैसेज दिखाई देगा। देखिए सॉरी लिखा हुआ आ रहा है, वी विल नॉट अबल टू कैंसिल योर कार्ड सब्सक्रिप्शन राइट नाउ एज यू हैव यूटिलाइज सम पार्ट ऑफ योर क्रेडिट लिमिट। मतलब आपने कुछ क्रेडिट की लिमिट यूज़ की है, इसलिए आप कार्ड को कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब हमारा जो ये पेंडिंग पेमेंट दिखा रहा है उससे मुझे पे करना पड़ेगा पहले, तो मैं ये पे नाउ बटन पर क्लिक करता हूँ और जो भी मेरा जितना भी पेंडिंग पेमेंट है मैं वो पे करूँगा। यहाँ पे देखेंगे कि मेरा कितना पेंडिंग पेमेंट है। ठीक है, नीचे जाते हैं और देखिए मतलब 150 रुपीज़ का जो मेरा आज का पेमेंट है, और ये 123 रुपीज़ का है, और एक 332 रुपीज़ का है। तो मैं ये सारे जो पेंडिंग पेमेंट है वो मैं पेमेंट कर दूंगा, तो मतलब कार्ड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो पेंडिंग पेमेंट है जब तक तब तक आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। एक अगले महीने का है, 332 का, सारे मतलब मैं चेक कर लेता हूँ, और टोटल होता है 605 रुपीज़। तो मैं ये यहाँ पे पे नाउ पर क्लिक करूँगा और ये टोटल अमाउंट आ गया है 605 रुपीज़, और कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो मतलब पेमेंट का पेज खुलेगा। ठीक है, ये देखिए आप मतलब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से और UPI से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी। क्रेडिट कार्ड से मतलब कुछ चार्जेस लगते हैं, इसलिए मैं मतलब UPI से पेमेंट करूँगा। यहाँ पर मैं अपनी UPI ID डाल के पे नाउ बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए कंफर्म का मतलब मैसेज हो रहा है, तो मैं कंफर्म करता हूँ, और यहाँ पे अब मेरा मतलब जो मैंने गूगल पे का ID डाला था इसलिए वहाँ पे रिक्वेस्ट गया होगा, तो वहाँ से मुझे पे करना पड़ेगा। तो मैं अपना गूगल पे खोल लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा गूगल पे ओपन हो चुका है, और यहाँ पे जो मतलब उसका रिक्वेस्ट आया होगा वहाँ से मैं पे करूँगा। ठीक है, लोड हो रहा है थोड़ा सा। ओके, और यहाँ पे मैं देखता हूँ किधर है धनी का रिक्वेस्ट, नीचे आ गया है धनी पर। ठीक है, अभी शो नहीं हो रहा, मतलब ओके आ गया है अब। ठीक है, यहाँ पे पे मैं क्लिक किया मैंने। ओके, अब मैं मतलब अपना UPI डाल के पेमेंट कर दूँगा। ठीक है, ओके, लोकेशन की परमिशन मांग रहा था। ओके, पेमेंट UPI पिन डाल के पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली, और ठीक है, अब मैं अपने धनी वन फ्रीडम का जो धनी का ऐप है उसमें जाके चेक करता हूँ कि पेमेंट हुआ है कि नहीं। ओके, ऊपर मैसेज आ गया है कि 605 रुपीज़ अपने वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। ओके, तो आप देखिए मतलब ओके कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया, मतलब का पेमेंट हो चुका है। और फिर से मैं जाके देख लेता हूँ कोई पेंडिंग पेमेंट अभी तो बाकी तो नहीं रह गया ना। ठीक है, ओके, लोड मोर एंट्रीज। ओके, मतलब अभी 2 एंट्री बाकी रह गई है, उसके ऊपर पे कर देते हैं। ठीक है, वॉलेट में ही पड़े पैसे वैसे भी। ओके, ठीक है, पेमेंट हो चुका है। अब आप मतलब अब मैं कैंसिल कर सकता हूँ, मतलब कोई पेंडिंग पेमेंट अब रही नहीं है, तो पेंडिंग पेमेंट अब 0 हो चुका है। तो मतलब नीचे में जाके कैंसिल पर क्लिक करूँगा, मतलब अब क्या होता है देखते हैं। ठीक है, मतलब आर यू श्योर पूछ रहा है इधर, और उसका कुछ बेनिफिट्स का मैसेज आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है, और मैं यहाँ पे यस पर क्लिक करता हूँ और आगे प्रोसेस करता हूँ। ठीक है,
एप्लीकेशन कैंसिल सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, मतलब हमारा कार्ड जो है धनी वन फ्रीडम वो अब कैंसिल हो चुका है और आप किसी कभी भी एक्टिव कर सकते हैं फिर से। और यहाँ पे मेन पेज पे भी इनएक्टिव आ चुका है, मतलब सक्सेसफुली धनी का कार्ड कैंसिल हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।